जिथे पैर उत खैर मैं हूँ आपका होस्ट आपका दोस्त अली असलम आप देख रहे हैं फ्रेम इन टी वी पाकिस्तान थिएटर इंडस्ट्री में बहुत सी खवतें ऐसी हैं जो काम कर चुकी हैं काम कर भी रही हैं और उन्होंने बहुत कम टाइम में अपना नाम बनाया अपने काम के ज़ोर पर अपने टैलेंट के ज़ोर पर आज हमारे साथ जो सेलिब्रिटी मौजूद हैं उन्होंने भी बहुत कम टाइम में अपना नाम बनाया और जितनी भी आर्टिस्ट काम कर रही थी ऑलरेडी थिएटर इंडस्ट्री में उन सबको एक दफ़ा उन्होंने परेशान कर दिया क्योंकि न्यू कमिंग आर्टिस्ट जो होता है वो आते साथ अगर जगह बनानी शुरू कर दे तो बीच में कुछ ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जिनको इनसिक्योरिटी फ़ील होना शुरू हो जाती है कि यार ये तो बिल्कुल न्यू आर्टिस्ट आई है और आते साथ इसने इतनी ज़्यादा पेमेंट भी लेना शुरू कर दी है और सबसे मज़े की बात ये कि जो पर्सनलिटी स्टेप हमारे साथ मौजूद हैं ये जो सॉन्ग परफॉर्म किया करती थी उस सॉन्ग पे ये बहुत ज़्यादा ख़र्चा किया करती थी चाहे इनके कोर्स के डांसर्स हों या इनका ख़ुद का ड्रेस हो या फिर इनके कोरियोग्राफर्स हों जो जिनके सॉन्ग को कोरियोग्राफ किया करते थे इन्होंने इन ऑल ओवर द पाकिस्तान परफॉर्म किया पाकिस्तान से बाहर भी इन्होंने पाकिस्तान को प्रेजेंट किया और वहाँ पे भी इन्होंने अपनी फनकारी का झंडा गाड़ा मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा महरू साबाजी वाईक हैं आप ठीक हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप कैसे हैं मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपका शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला थैंक यू सो मच मैरू जी आप की खूबसूरती का राज क्या है सबसे पहले तो ये बताइए कोई राज नहीं है बस खाना पीना खाना पीना देखिए जो थे... नमाज पढ़ना स्पेशली नमाज और कुरान जो पढ़ता है उसके मुंह पे तो अल्लाह पाक की तरफ से ऑटोमेटिकली नूर आ जाता है तो बाकी ये है कि खाती पीती मैं बहुत ज़्यादा हूँ शायद मुझे लगता है यही वजह है घर का खाना पसंद करती हैं बाहर का घर का खाना कुकिंग खुद भी कर लेती हैं हाँ अल्हम्दुलिल्लाह भिंडी गोश्त कैसा बनाती हैं आप भिंडी गोश्त भी बहुत अच्छा बनाती हूँ करेले गोश्त भी बहुत अच्छा बनाती हूँ बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ और अभी मैंने कुकिंग वैसे अपनी अम्मी को देख देख के सीखी है जैसे खाने का शौक है वैसे बनाने का भी शौक़ है अच्छा तो ये नहीं कि जो आ, आपकी मदर हैं वो प्रॉपर शेफ है अच्छा खाना बनाती हैं जी है। बिल्कुल वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और उन्हें देख देख के मुझे शौक़ हुआ था कि मैं मतलब उतनी अच्छी तो नहीं मैं कुकिंग कर पाती लेकिन ये कि सामने वाला जितनी तारीफ कर दे अपने मुँह या मिठू तो मैं नहीं बन सकती ज़्यादा तो महरू जी हमारी जो व्यूअर्स हैं ये अक्सर ही ऐसा सोचते हैं कि ये जितनी भी आर्टिस्ट होती हैं थिएटर की इनके लिए बड़ा इजी होता है काम करना और बड़ी जल्दी आ जाती हैं मंजर आम पे आप क्या कहना चाहेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इजी नहीं है बहुत डिफ़िकल्ट होता है जो हमारे सीनियर्स हैं जैसे कि हमारी जो फीमेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा लाइक समटाइम प्रॉब्लम्स भी होती हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर इतना आसान नहीं है मुझे लगता है कि जो थिएटर का काम है वो तीसरे दर्जे का माना जाता है लॉलीवुड में okay. और ये लाइव काम है जो आप लाइव परफॉर्मेंस कर लेते हो फिर आपके लिए कोई फिल्म कोई ड्रामा कुछ भी मुश्किल नहीं होता क्योंकि इसमें कोई एक्शन कट रिटेक कुछ भी नहीं होता नहीं होता जो आपने छोड़ दिया वो छोड़ दिया लाइक like, आप गाना कर रहे हो समाइम ऐसा होता था हम लोग गाना करते थे जो कोरोग्राफ ने सिखाया होता था या हमारे डांस टीचर और भी हैं तो वो गाना मुझे भूल रहा है तो मैं ऐसे इशारे कर रही हूँ लड़कों को तो वो मुझे कह रहे हैं छोड़ दे मैडम छोड़ दे ये स्टेप अगला स्टेप पकड़े फटाफट क्योंकि गाना तो लाइव चल रहा है लाइव हाँ बिकॉज ये लाइव है और पब्लिक जो है आप लोगों को देख रही होती है तो मेरा ख्याल है कि इसमें मुश्किल भी बहुत है और ये टैलेंट जो है बहुत ज़्यादा है इस काम में अगर आ जाए तो बाक़ी लग भी है कुछ आपकी माँ की दुआएँ होनी चाहिए आपके साथ तो फिर आप कामयाब हैं कहते हैं कि लक के साथ खूबसूरती को होना भी बहुत ज़रूरी है जो आपके पास कसी तादाद में पाई जाती है तो क्या कहेंगी आप ख़ूबसूरती मेरा नहीं ख़्याल मैं समझती हूँ कि टैलेंट ज़्यादा है टैलेंट आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा क्योंकि अगर आप मेहनत करते हो हार्ड वर्क करते हो कभी ज़ाया नहीं जाता बाकी वो कहते हैं ख़ूबसूरती के बारे में रूप रोए करम खाएँ तो मैं खूबसूरती को इतना ज़्यादा काउंट नहीं कर काउंट नहीं करते आप मैं नहीं करता अच्छा ये आपने जो वो परफॉर्मेंसिस किए हैं जितनी भी थिएटर पे ये आपने किसी कर, की है सारी मेरे बहुत सारे उस्ताद थे लेकिन जो मेरे फेवरेट थे वो सर तोीफ़ शाह गिलानी और इसके अलावा जो तबला बाजा मैंने जिसके वो तोड़े वगैरह जो सीखे थे क्लासिकल वो उस्ताद मवाती साहब थे और इसके अलावा राजा साहब थे सर बल्ली थे और अता खान थे और ये काशिफ सम्राट बंदे आपने सारे स्ट्रॉन्ग पकड़े हैं हाँ, सारे ही राजा साहब अपनी मिसाल आप हैं अता साहब अपनी मिसाल आप हैं और तोसीफ़ साहब जो हैं वो अपनी मिसाल आप हैं ऐसे क्या ख्याल उन सबका अंग जो होता है ना वो फ्लोर पे नजर आ जाता है कि ये किसका अंग है और आपने सबका मिक्सर ले लिया तो आप तो फिर जहरी बात है धमाका तो करेंगे ही करेंगी अब उस टाइम वो ज्यादा इंडियन आइटम्स थी पंजाबी गाने मैंने कभी मुझे इतना पसंद नहीं हुआ कि मैं ये करूँ तो मैंने इंडियन आइटम्स की मुझे नहीं पता था कि हमारे पाकिस्तान में जितने भी स्टेज ड्रामास बनते हैं जो उनकी वीडियोस होती हैं तो उन पर जितने भी इंडियन गाने लगते हैं तो वो उनको प्ले नहीं करते लाइक पाकिस्तानी ही चलते हैं तो मेरी कुछ आइटम्स ऐसे जाया जाती थी लाइक आप इतने पैसे लगाते हैं और उसके बाद वो आप एक आइटम करते हैं उसके पीछे एक पाकिस्तानी गाना चल रहा होता है तो उस चीज़ की वजह से भी मुझे थोड़ा होता था कि यार हम लोगों ने इतनी मेहनत की है तो गाना नहीं आगे चला गाना वो पाकिस्तानी लग जाता था तो बस ऐसे ही है लेकिन अभी खैर बंद हो चुके हैं इंडियन सॉन्ग्स तो बिल्कुल बंद बिल्कुल उस पर पाबंदी हो चुकी है हाँ, बिल्कुल आप पंजाबी सॉन्ग्स कर सकते हैं अच्छा दूसरी बात यह कि थिएटर में लड़कियाँ जो होती हैं थोड़ा बहुत जेलस फील करती हैं आप इस बारे में क्या कहेंगी थोड़ा बहुत नहीं खैर जेल्स बहुत ज़्यादा होती है मुझे किसी से कोई पर्सनली जेलसी नहीं है ना मेरे काम के हवाले से मुझे ये समझ नहीं आती कि लोग ये क्यों नहीं सोचते कि आपने जो काम करना है वो आपकी मेहनत है वो आपकी अपनी लक है मैं आपसे जल भी जाऊँ तो मुझे कोई वो उसमें क्रेडिट नहीं मिल जाएगा लेकिन लोग करते हैं और यहाँ पे ज़्यादातर कम्युनिटी या अनएजुकेटेड अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको ज़रूर समझ होगी कि यार मुझे ये जलने से तो कुछ भी नहीं मिलेगा तो जितनी भी हमारी थिएटर कम्युनिटी में फीमेल्स हैं मोस्टली वो अनएजुकेटेड है जितना थिएटर है उसमें ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ दम जो है वो पढ़े लिखे नहीं है बहुत कम है और जो लोग पढ़े लिखे हैं वो उनको समझ है कि काम कैसे करना है और आज वो अच्छे अच्छे ये सियासी थिएटर जितने भी हमारे मेल्स हैं जो कि लाफ्टर लेने पे ज़्यादा बिलीव रखते हैं नसीम विक्की सर हो गए हाज, हाजी हाजीखार हाजी साहब कह रही हूँ हाजी अफ्तार ठाकुर साहब हो गए ज़फ़री खान साहब हो गए नासिर शेनियोटी हो गए तो फीमेल्स का तो मैं कुछ नहीं कह सकती इसीलिए कहते हैं औरत ही औरत की दुश्मन होती है औरत ही औरत की दुश्मन होती है जी इसमें कोई शक नहीं है ये एक आपने बड़ी अभी अच्छी बात की है कि एक टाइम ऐसा था कि थिएटर के जो आर्टिस्ट हैं ख़ास तौर पे जो मेल्स हैं इनको टीवी में लोग काम नहीं दिया करते थे ऐसे है। और आज हमारा जितना टीवी है उसमें इंटरटेनमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो रिवाइवल जो है वो सब थिएटर आर्टिस्ट ही लेकर आए हैं बिल्कुल जिस तरह खबरनाक खबर यार खबरदार मुजाकर सियासी थिएटर सितारों से करें बातें और इस तरह के बहुत से जो चल रहे हैं शोज क्योंकि जो मैंने देखा है ना पहले ड्रामा जो होते थे वो सारे ये डायलॉग डिलीवरीज आपकी फॉल मूव्स पे होते थे ये गाने वगैरह तो अब आए हैं और जो आर्टिस्ट होता है ना वो बेसिकली ये ये आपकी डायलॉग डिलीवरीज़ होनी चाहिए आपको बात करनी आनी चाहिए आपकी जो एंट्री है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए जैसे कि हमारे अलहमरा में बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे होते थे मैंने एक दो ड्रामे देखे भी हैं स्पेशल सीरीज़ मंगवा के जन्म जन्म की मैली चादर बिल्कुल जबरदस्त और तमासील में होते थे ये ड्रामाज अब वैसे ड्रामे नहीं हैं अब सिर्फ मनोपनीज़ हैं पॉलिटिक्स है एक दूसरे को काट के आगे जाना लोग ना मेहनत करने पर डिपेंड करते हैं ना दुआ पर डिपेंड करते हैं बस कहते हैं ये आ क्यों गई है फिलाना क्यों आ गया हम लोग आगे क्यों नहीं जा रहे महरू जी ये बात किस हद तक सच है कि लड़कियां थिएटर में अपने आप को बिल्कुल मेन पर लाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोड्यूसर्स के साथ मरासिम बढ़ाने की कोशिश करती हैं इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूँगी क्योंकि इस तरह अगर मैं किसी के कोई भी विदाउट नेम भी बात कर दूँगी तो वो मेरे लिए भी बुरा होगा क्योंकि मैं भी इस फील्ड से रिलेटेड हूँ बाकी आ, मेरे ख्याल ज़्यादातर ये औरत पर डिपेंड करता है क्योंकि मैं जिस तरीके से आई हूँ मुझे लगता है कि मैंने तो ज़्यादातर अपनी पब्लिक सिटी करने के लिए अपनी जो भी मेरी मालियती थी पूंजी थी मैंने जमा पूंजी लगा दी लेकिन जब मेरा कमाने का टाइम आया तो मुझे आउट करवा दिया तो क्या? आप मैं नब्ली का शिकार हो गए फिर उसके बाद मेरा अपना भी दिल उठ गया था मैंने कहा नहीं यार इतनी पॉलिटिक्स मुझसे नहीं होती इतनी चालाक नहीं हुआ मैं कि मैं इन चीज़ों को समझ सकूँ क्योंकि सीनियर्स की इज्जत करना लेकिन सीनियर्स को भी ये चाहिए ना कि वो जूनियर्स को देखें उन रिस्पेक्ट तो सबकी बराबर होती है बिल्कुल हर बंदे की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है चाहे वो काम में बड़ा है आपसे या छोटा है तो अगर आप छोटों से प्यार नहीं करेंगे उन्हें कुछ सिखाएंगे नहीं समझाएंगे नहीं वो आपसे इम्प्रेस नहीं होंगे आप उनके आइडियल नहीं बनेंगे तो वो फिर क्या करेंगे वो फिर आपसे वो भी यही कहेंगे जहाँ यार ये साइड आपके जो हेटर्स हैं आप उनको कैसे ट्रीट करते हैं मेरी जो हेटर्स हैं मैं कोशिश तो करती हूँ कि हंस के ट्रीट करूँ लेकिन वो ना चाहते हुए भी मुझ पर कोई ना कोई बात वो जाते हुए वो कहते हैं के लड़ाई लेने वाली बात है। तो मैं कहती हूँ तो क्योंकि आपको ये लगता है कि आपके अंदर कोई बात है जो उनमें नहीं है वो इस वजह से आपसे कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं बहुत ज्यादा तो बस हेटर्स होने चाहिए आई लव हेटर्स यू लव हेटर्स जी जी लाइक करती हेटर्स को अच्छा टॉप क्रिटिसाइज जब आपको किया जाता है फिर इसके बारे में लाइक like, उस टाइम भी बर्दाश्त करना पड़ता है कि ठीक है यार काम है और कुछ वक्त ऐसा आया था कि मुझे मेरे काम से बहुत प्यार था कमज़ोरी थी मेरा काम मेरी लेकिन कुछ लोगों की नज़र हो गया uh -huh. कुछ मेरी अपनी भी बेवकूफ़ियाँ थी कुछ गलतियाँ थी कि मुझे समझ नहीं थी मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ uh -huh. जो बातें नहीं भी करनी चाहिए मैं वो भी कर जाती थी तो उसकी वजह से वो आगे जाने की बजाय लाइक like, मेरी जुबान की वजह से मैं पीछे हो गई क्योंकि मुझसे किसी की टीसी नहीं होती मुझे नहीं पसंद है क्योंकि मैं अगर अपने बल पर आ रही हूँ अपना टाइम अपना पैसा वेस्ट कर रही हूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं किसी की सुनूंगी फिर वो मेरे सामने कोई सीनियर हो या जूनियर हो हमारे सीनियर्स को भी खैर आजकल इतना नहीं है पता नहीं। कि प्यार कैसे करते हैं किसी को मतलब कि अगर वो वो सोचते कि जितने जितनी, जितनी एफ़र्ट्स हम करके आए जितने बुरे तरीके से हम आए हैं ये भी बर्दाश्त बर्दाशन रगड़ा हाँ। तो रगड़ा बनता भी नहीं बनता रहा है और कुछ लोगों के, के रिलेटेड होता है ये काम बिल्कुल तो मुझे ये लगता है कि नहीं आना चाहिए किसी को भी किसी के रास्ते में नहीं आना चाहिए महरू जी बात ये कभी ऐसे है कि कल रिहर्सल है आपको एडवांस दे दिया गया है बातचीत हो चुकी है और उसी दिन आपको कह दिया गया ड्रामे में नहीं है ऐसा बहुत दफ़ा हुआ मैंने एक गाना स्टार्ट किया था तो इसक मेरा तो मैंने उसकी तैयारी की पंद्रह दिन से हम लोग कर रहे थे और एक सीनियर आई मैं उनका नाम नहीं लूँगी अल्फला थिएटर की ये बात है और मैं ऐसे लाइक थोड़ा मेरा बचकाना जेन था मैं ज़मीन पे ही लेट गई कि नहीं ये गाना मैंने करना है मैंने करना है मैंने बहुत तैयारी की है तो वो नहीं दिया उन्होंने मुझे वो गाना फिर वो गाना मुझे नाज थिएटर में करना पड़ा और मुझे बड़ा दुख हुआ मैंने कहा यार मैंने एक चीज़ के ऊपर ढाई लाख रुपए लगा दिए उस आइटम को तैयार करने में ढाई लाख लगा दिया जी और मैं मतलब कि अब उसको मैं परफॉर्म नहीं कर रही दिखा नहीं पा रही वो मेरी एक जलन थी एक हसरत थी वो जब हमारी सीनियर ने माँ किया तो वो फैसलाबाद से वो गाना करती आ रही थी लाइक वो रिहर्सल में बहुत ज्यादा थी लेकिन उसको वो जो पजीराई मिलनी चाहिए थी जो पब्लिक की तरफ से रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था वो नहीं मिला नहीं मिला क्योंकि मेरा गाना उससे ज्यादा हैवी था लेकिन मैं क्या थी मैं जूनियर थी मैं लड़ भी नहीं सकी बोल भी नहीं सकी उन्होंने कहा नहीं जी हम आपको ड्रामे से आउट करवा देंगे तो मुझे था कि चलो ड्रामा तो होगा ना कोई बात नहीं गाना मैं चेंज कर देती हूँ और पंजाबी गाना मुझे मैंने शुरू से इंडियन डांस पे ज़्यादा मेरा फोकस रहा मैंने पंजाबी गाने पर गुजराव और ये वो मुझसे नहीं होते थे वैसे आपको कैसा लगता है कि जब बाकी लड़कियाँ परफॉर्म करती हैं गुजरावे और अच्छा लगता है अच्छा लगते बहुत आपको। अच्छा हैं बहुत बहुत लगता है क्योंकि वो बहुत अच्छे से थे कर लेती नहीं होते मुझे सारे में भी जो लोग होते थे फैंस वगैरह मुझे कॉल करके बोले मैम आप सामने क्या देखती हैं बिल्कुल मैं कहती थी जो पीछे वाले हैं ना वो हमें आर्टिस्ट बनाते हैं या स्टार बनाते हैं उनकी क्लैप तो जो सामने बैठे होते हैं उन्होंने टिकट इतनी ज़्यादा खर्च की होती है कि वो औरतों को नीचे से देखना शुरू करते हैं और अजीब माइक्रोसो माइक्रोस्कोप होता है उनकी आइज़ में बिल्कुल एग्जैक्टली तो मैं कहती थी कि यार नहीं मुझे ऐसे देखना मुझे लाइक इक्वल देखना तो बस इसलिए मैं मैं कहती थी मुझे खुशबू जी बहुत पसंद है पंजाबी सॉन्ग्स में उनके बहुत अच्छे गाने होते थे सायमा जी के मैं कहती थी यार काश मैं भी ऐसा पंजाबी डांस करूँ तो मेरे से होता नहीं था कभी ऐसा हुआ है कि चलते ड्रामे से भी कह दियो कि आप चली जाएं या ऐसा कुछ आ, चलते ड्रामे से नहीं एक दफ़ा मैं तमासील में गई लाइक वेरा वेरी फर्स्ट टाइम था मेरा और मुझे वहाँ पर जो हमारी सेंसर असल होती है मैं नूर आई सारा खान थी उस टाइम और किस्मत भी एक भी थी तब उन्होंने कहा इसे नहीं काम करने देना मुझे आउट करवा दिया और अभी मैंने जैसे ऐसे ड्रेस पहना ही था सेंसर दिखाने के लिए और मैं वहाँ से रोते हुए मैंने कहा यार मेरा क्या कसूर था कि बस मुझे ऐसे ही कह दिया कोई रीज़न भी नहीं नहीं आप नहीं कर सकती काम मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मेरी तैयारी उस टाइम भी बहुत ज़्यादा थी पहला पहला ड्रामा था 2014 में मैंने पहली दिन इतनी खूबसूरत आंखों से जब आंसू छलके तो किसी को तरस नहीं आया नहीं किसी को भी नहीं जालिम दुनिया जालिम दुनिया <laughs> बहुत जालिम, समाज जालिम दुनिया वही ऐसा ही है मीनस ये कि थिएटर में आपको बड़े फूक फूँक कर कदम रखने पड़ते हैं ऐसे ही है बहुत सोच समझ के आपको कदम रखने पड़ते हैं और मेरे जैसे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो इसीलिए थोड़ा पीछे पीछे रह जाते, पीछे रह जाते हैं।, हैं उन्हें आगे नहीं आने दिया जाता तो आपने उसके बाद ये फैसला किया कि मुझे अपने आप को चेंज करना है या अपने जो आपका क्या कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है इसको चेंज करना है मुझे ये लगा कि जो मेरे अंदर ख़ूबियाँ हैं मैं उनके अंदर और इजाफा करूँ जिन जो लाइक लोगों को जैन जिस बात से प्रॉब्लम है मेरी ज़ुबान से प्रॉब्लम है मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस पर कंट्रोल करूँ हो नहीं पाता राइट ऑलवेज राइट कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी के रुखसार पर अपनी हथैली रसीद कर दी हो नहीं कभी भी नहीं ऐसा कभी भी नहीं हुआ मोस्टली लोगों ने चाहा जरूर कि जितनी ये जुबान की तेज़ है गुस्से की तेज़ है हम इससे ये भी काम करवा लें इवन दैट कि मैंने सीनियर्स की गालियाँ खाई हैं निदा जी उन्होंने मुझे हैवी लाइक गालियाँ दी कुछ थिएटर में जैसे होता है अक्सर वो बंदे बिठाना और उठाना यस यस तो हम लोग तवासील तो में काम कर रहे थे उठाए किसी ने बिठाए किसी ने वो एक टैब सा वो उस पर नोटिस करती हैं कि किसने मेरे बंदे उठाए किसी ने जाके मेरा नाम ले लिया मेरा ओल्ड नेम बोल दिया कि जी लाइबा ने उठाए तो उन्होंने मुझे बैक विंग पे आके सारा मतलब जो हमारी आ, बैठे होते हैं डायरेक्टर जितने भी नीचे होते हैं वो सारे बैठे हुए और आर्टिस्ट भी थे और मुझे वो गालियाँ वो गालियाँ दी मेरी अम्मी साथ थी उन्होंने मुझे बोला कि मैं मैंने उनको ऐसे पकड़ लिया नीता चौधरी ने गाली मुझे उन्होंने ऐसे पकड़ लिया उन्होंने कहा नहीं नहीं तुमने कुछ नहीं बोला तुम्हारी सीनियर है तो इसलिए वेरी गुड वेरी गुड आपने पाकिस्तान को प्रजेंट किया है पाकिस्तान से बाहर भी बहुत कंट्रीज़ में आप गए हैं तो ये जो आपने बाहर के टूर्स किए हैं आपको लगता है कि उसमें भी आपके साथ कहीं ना कहीं नापतोल में कमी हुई मुश्किल से आपको बाहर के टूर्स मिले पहले शुरू स्टार्ट में नहीं था ऐसा लाइक उसके बाद कुछ अरसा हुआ कि मुझे बाहर जाने से भी बंद कर दिया गया अभी दो तीन साल हो गए हैं कि मैं मतलब सब जा रहे हैं और मैं मुंह देख रही हूँ बैठ कर और फिर वो मिन्नत समाजी जो होती है एक लाइक खुद कॉल करके बोलना जी हम भी हैं सर हम पे भी नज़र डालें हमने भी काम करना है वो चीज़ नहीं है मेरे में इंतज़ार है बस कि आएगी कॉल खुद कभी रोई भी हैं आप बहुत ज़्यादा रोती थी मैं बच्चों की तरह बहुत रोती थी बात बात पे रोती थी ड्राइव आप खुद करती हैं या क्या ड्राइव मैं भी कर लेती हूँ और मेरा छोटा भाई भी कर लेते हैं मेरी मामा भी मुझे वैसे ड्राइव खुद करना पसंद है पसंद है आपको आई लव ड्राइव मेरी मोम कहती है कि थक जाते हैं मैंने कहा ऑटो गाड़ी पे क्या थक कभी गाड़ी को आपने ठोका भी है बहुत दफ़ा गलती मानी भी है नहीं Uh, पहले मान जाती थी अपनी <laughs> मानते अपनी मानते ड्राइविंग ज़्यादा आप जो पसंद करती हैं लॉन्ग ड्राइव जो होती है हिली एरियाज़ या नॉर्दर्न एरियाज मुझे मरी बहुत पसंद है फेवरेट मेरी uh, हिल स्टेशन में और सवाद कलाम वादिया कैलाश काफ्रिस्तान ये सारा मैंने घूमा चाइना बॉर्डर हन्जा वैली हमारी वो लाइक uh, like, सैफुल मलिक झील जो है नारान का गान जी जी चलान कितने दफा हुआ आपका uh, अभी ये जो चलान अभी जो अभी हुआ है ये मेरी गाड़ी पे प्लेट नहीं, लगी। नहीं, लगी। तो नहीं। <laughs> पकड़ी तो जाओगी तो गाड़ी बंद कर देंगे <laughs> लाहौर में आजकल कैमरा सिस्टम हो चुका हाँ है। जी बिल्कुल आवाम जानना चाहती है की जिंदगी में इश्क कितनी दफा हुआ दो दफा हुआ बहुत गहरा हुआ एक तो छोटे होते का था अच्छा जब बिल्कुल ही बच्चे थे दूसरा जो हुआ वो उसने तो बस बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ ख़राब कर दी टोटली मैं घर वालों से साइड हो गई और मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा आपको जैसे कोई मेंटली टॉर्चर करता है वो ज़्यादा डिस्टरबेंस थी मेरे वो जिनसे आपको इश्क हुआ उनका ताल्लुक से से था या थे? आ, से नहीं था या थे थे नहीं ही आप उनसे शादी करना चाह रही थी या वो शादी करना चाह रहे थे शादी मैं ही करना चाह रही थी वो नहीं करना चाह रहे थे और जब मुझे उनके असल पता लगे कि बस ये, ये, ये शादी, बंदा शादी नहीं, 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 नहीं करना शादी वाला। नहीं करना चाहता इसका कुछ और मकसद था मुझे काम से हटाना और फील्ड से आउट करवाना कभी ऐसा है कि आपने कहा कि आज मेहरू के पास पैसे नहीं है यार ऐसा टाइम आया मुझ पर मैंने तब भी यही सब्र और शुक्र किया मैंने क्योंकि उस टाइम में आपको क्योंकि अल्लाह पाक दे के भी आजमाता है और ले कर भी आजमाता है, है। मेरी आजमाइश थी बहुत तो मुझे मेरे अल्लाह की ज़ात पे बहुत भरोसा है जिसकी वजह से हम दुनिया में चलते फिर रहे हैं तो अब दोबारा से वही टाइम है एक टाइम में मुझे मैं ख़ुदकुशी करने जा रही थी तो मैंने कहा ख़ुदकुशी करनी है मैं सुसाइड कर भी लिया दो दफ़ा लेकिन अल्लाह पाक ने जिसकी जितनी ज़िंदगी लिखी हो वो जैसे भी है उसको गुजारनी है उसके बाद फिर मुझे समझ आई थी कि मुझे हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है तो जब मैंने अल्लाह का बेहद शुक्र अदा करना शुरू किया मुझे गैप के खजानों में से हर चीज़ है झाड़ू उठा बहुत ज्यादा मैंने तक की है। मैंने झाड़ू पहुँचा मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है सब्जी फ्रूट वगैरह लेने के लिए मार्केट जाती है अः अभी मुझे पता है बाकी सौ रुपए किलो आलू और सो आ, वो वो चीजें सौ सौ रूपये किलो हो गई हैं जिनको जो कभी बीस रुपए किलो होती थी अभी हरी मिर्चें नहीं आती नहीं आती मैं कहती थी ये बीस रुपए में क्यों नहीं आती है यार पहले तो इतनी ज्यादा आ जाती है वो मुंह से कहते हैं बाजी पचास रुपए निकालो लेमन हरा धनिया या हरी मिर्च लेमन भी महंगा हो चुका है लेमन बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है गार्लिक हो चुका हुआ वो आधा किलो के हिसाब से वो किलो के हिसाब से समझ ही नहीं आती गरीब बंदा कहाँ जाए बैंक में बिल जमा करवाने के लिए भी जाती हैं आप लाइन में खड़ी होती बहुत मैं स्टैंडर्ड में पढ़ती थी मुझे आज भी याद हम है। आज की की बात कर रहे हैं नहीं मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं, मैं लाइन में खड़ी होती थी वो बच्ची देख के मुझे मैंने लाइक हेड डाउन कर लेना मुझे बचपन से एग्जाइटी की प्रॉब्लम है तो जैसे आपका दिल घबराना शुरू हो जाता है तो दो बजे लास्ट होती है तो मुझे उन्होंने उठा देना कि बेटा उठ जाओ तर्स खा लेना बच्ची पे तो उस टाइम उन्होंने मुझे कहना अंकल इतनी लंबी लाइन थी अभी आप दो बजे मुझे कह रहे हैं कि उठ जा नहीं बेटा आप सोई हुई थी मैं सड़क पे ही सो जाती थी, वो जो बनी होती थी मैं उसके बाहर ही सो जाती थी सो, जाते थे। सो जाती थी कि अब इतनी लंबी लाइन है कैसे खत्म होगी लाइक उस टाइम ये जो पुराने आ, हमारे एरियाज हैं लाल स्कूल हो गया हकीमा वाला बाजार हो गया बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहां पे मैंने इतनी लंबी लंबी लाइन में खड़े होना मैं अपनी अम्मी को कहती थी हूँ लड़कों वाले काम भी मैं नहीं करने हैं सारे तो बचपन से मैं हार्ड वर्क करूँ ड्रेसिंग जॉब करती हैं ये आपकी खुद की चॉइस होती है या फिर नहीं मेरी मामा की मामा की चॉइस है मेरी मामा ईस्टर्न भी वेस्टर्न भी और मैंने ड्रेसिंग हर किस्म की किया साड़ियाँ भी ये मुझे कोई हसरत नहीं है कि भाई मुझे ये भी पहनना है मैंने वो डिज़ाइन का कपड़ा नहीं पहना फ्रॉक्स नहीं पहने मैंने मैक्सीज नहीं पहनी मैंने हर किस्म के डिज़ाइन के कपड़े पहने हैं महरू जी मैं एक नाम लूँगा जी आपने एक ही लाइन में उनके बारे में कुछ भी कहना है ओके नरगिस बहुत पसंद है मुझे मेरी आइडियल है दीदार शी इज़ वेरी नाइस डांसर नाइस डांसर खुशबू जी मुझे उनके पंजाबी गाने बहुत पसंद है लाइक परफॉर्मेंस नीदा चौधरी शी इज आल्सो नाइस शी इज आल्सो नाइस ओके वट्स अबाउट सुल अहमद साहब बहुत अच्छे हैं और वो मेरे बहुत फेवरेट हैं अमानत चंद सर मानद चंद साहब बहुत अच्छे हैं उनके साथ भी मेरे बहुत ज़्यादा ड्रामे हैं तोते उड़ गए नसीम विकी साहब uh, वो भी बहुत अच्छे हैं अच्छे इंसान हैं जफरी खान साहब ही इज़ द बेस्ट बहुत अच्छे हैं वो और uh, वो भी मेरे बहुत आइडियल हैं काम उनके जैसा काम कोई नहीं कर सकता बहुत अच्छे हैं नवाज शरीफ साहब शैबी इज़ ऑल्सो माई फेवरेट नवाज शरीफ लिटल बट लाइक like, शहबाज शरीफ मुझे बहुत पसंद है मेरी <laughs> सॉरी मेरी हॉट फेवरेट पार्टी नून लीग लेक। कहीं फ्यूचर में आप पॉलिटिक्स तो नहीं ज्वाइन करने वाली हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं व्हाट्स अबाउट बिलावल जरदारी हाँ वो मेरा हॉट फेवरेट है हॉट फेवरेट हाँ मैं सोचती हूँ पहले मैं सोचती थी कि मेरी शादी उससे हो जाए <laughs> बिलावल से पर्सनैलिटी वाइज पर्सनैलिटी वाइज अच्छा ओके जी और व्हाट्स अबाउट मिस्टर शेख रशीद साहब <laughs> वो बहुत अच्छे इंसान है बाई नेचर एंड बाय हार्ट अभी उनको करोना भी हुआ था रिसेंटली तो अल्लाह पाक ने उनको सेहत बख्शी अच्छे इंसान है हामिद मीर साहब uh, वो भी अच्छे इंसान है वो बशीर रुकमान साहब वो बहुत अच्छे इंसान है वो भी मुझे अच्छे लगते है। <laughs> सारी हैं सारी अच्छे भाई क्या कर सकते हैं सिंगर्स uh, जो हैं उसमें आप ज़्यादा क्लासिकल लाइक like करती हैं हिप हॉप या टाइम के हिसाब से क्लासिकल टाइम के हिसाब से टाइम के क्लासिकल कह रही हूँ सिंगर्स टाइम के हिसाब से मुझे वैसे आतिफ़ अस आतिफ असलम का बहुत पसंद है राहत फ़तेह अली खान साहब के उनके मुझे सारे ही गाने बहुत पसंद हैं और हमारे जो नुसरत सर थे वो तो लेजेंड है वो तो सदा बहार है और हमारी नूर जहाँ मैडम जी जो थी अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे तो ये मेरे फेवरेट है और अदनान संग आपका जो फेवरेट सॉन्ग है हमारे वीरस के लिए गुनगुना दीजिए प्लीज़ ये बहुत मुश्किल काम है मैं आई एम वॉशरूम सिंगर मेरा फेवरेट सॉन्ग बड़ा मुश्किल सवाल है गाने मेरे बहुत सारे फेवरेट हैं पंजाबी गाना मुझे वो आ, साइमा जी और शान जी की फ़िल्म का है अन्ना मैं तनु प्यार करा मैं जिंदगी निसार करा <laughs> सामने तू बैठा रहे मैं तेरा दीदार करा ये गाना मुझे बहुत जबरदस्त सॉन्ग है बहुत अच्छा सॉन्ग है मेहरू जी आपने अपने हाथ पर एक टैटू बनवा रखा है खूबसूरत ये आपकी खुद की चॉइस थी या किसी के कहने पे बनवाया आपने नहीं ये मेरी खुद की गलती थी और अभी मैं इसको रिमूव करवा रही हूँ मेहरू जी कोई मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को देखने वालों को मैसेज uh, बस यही देना चाहूँगी सब लोग अपने अपने घरों में खुश रहें और नमाज की पाबंदी करें बींग मुस्लिम मेरो जी बहुत मज़ा आया आपके साथ गुफ्तु करने Thank का you. आप के बारे में जैसा हमने सुन रखा था आप बिल्कुल एक्ट वैसी ही पाई गई <laughs> लेकिन जो थिएटर इंडस्ट्री में आपके बारे में लोगों की वाइब्रेशन है आप बिल्कुल भी वैसी नहीं है आप बहुत अच्छी हैं और हमारी दुआ है कि आप हमेशा सलामत रहें खुश रहें आबाद रहें हंसती रहें खेलती रहें मुस्कुराती रहें अल्लाह पाक की जात आपको और आपकी फैमिली को अपनी हिज़ोमान में रखी बुरी नज़र से बचाए जी व्यवहार तो हमारे साथ तशरीफ़ फरमाती मोहतरमा महरू साहिबा बहुत मज़ा है इनके साथ गुफ्तु करने का आ, हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं किसी आर्टिस्ट के लिए तो वो भी आप हमें कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं क्योंकि अगर आप लोग हमें देखते हैं तो आपकी वजह से ही हम लोग ये काम करते हैं हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए ट्विटर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए अपने होस्ट अपने दोस्त अली असलम को दीजिए इजाजत अल्लाह पाक आप सबका नासिर हो अल्लाह वहाँ